अंबेडकर नगर में 24 दिन तक पैदल जनसंपर्क यात्रा शुरू। अंबेडकर नगर में सांसद रितेश पांडे 11 फरवरी से पूरे लोकसभा क्षेत्र में पैदल जनसंपर्क अभियान पर निकाली है। 24 दिन तक चलने वाले इस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र जलालपुर के खजूरी बाजार से हो चुकी है। इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों के बीच जाकर उनके सुख दुख को सुनेंगे। एक दिन में पैदल यात्रा 10 से 15 किलोमीटर तक चलेगी, जो शाम को पहले से निर्धारित स्थान पर रुकेगी। वहीं सांसद रात्रि विश्राम करेंगे, वहीं दूसरे दिन फिर यात्रा शुरू करेंगे। जनसंपर्क अभियान लगभग 100 किलोमीटर चल चुका है। ये यात्रा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव कस्बों से होकर अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के शिव बाबा में समाप्त होगी। भ्रमण के कार्यक्रम अंबेडकर नगर में चल रहे हैं, इसका पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जनसंपर्क है। हम लोग पिछले 11 तारीख से, आज 5 दिन हो गया है, हम लोग लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा जनता के समक्ष चल चुके हैं और ये 6 तारीख तक ये चलता रहेगा। लोकसभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर के हर एक विधानसभा के बीच में से ये निकल रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि मैंने पिछले 4 सालों में अंबेडकर नगर के लिए 152 बार मैं लोकसभा में उठ करके मैंने यहाँ के मुद्दों को उठाया है और 169 प्रश्न मैंने लोकसभा में अंबेडकर नगर के विषय पर और जनरली देश के और प्रदेश के विषय पर मैंने लगाने का काम किया है। तो अब जो हमारा ये एक मुहिम चल रहा है, ये ज़मीनी स्तर पर जाकर के लोगों की समस्याओं को और बेहतर रूप से समझना और एक अच्छा प्रतिनिधि उनको देने के लिए हम लोग ये अभियान हमने निकाला। बहुत सारे लोग हमसे मिल भी रहे हैं, जैसे मुझे मनरेगा मजदूरों का एक प्रतिनिधि मिला है, महिलाओं का खास तौर से। उन्होंने अपनी मजदूरी की दिहाड़ी को लेकर के और जो 213 रुपया है उत्तर प्रदेश में उसको बढ़ाने के लिए, और जो सर्वर्स डाउन रहते हैं उनकी जो हाजिरी लगती है वो समय पे चढ़ नहीं पाती क्योंकि सर्वर डाउन रहता है, जिसकी वजह से उनकी दिन भर की दिहाड़ी चली जाती है। तो अत्यंत गरीब लोगों के ये मुद्दे हैं और जब तक आप रोड पे नहीं उतरेंगे तब तक ये जानकारियाँ आसानी से नहीं मिल पाती है। कैसा समर्थन मिल रहा है आप जनसंपर्क पदयात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, समर्थन की बात नहीं है, समर्थन तो आप देख ही रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, चल रहे हैं। आज 150 से ज़्यादा लोग पिछले 5 दिन से चल रहे हैं। यहाँ पे चल रहा हर एक व्यक्ति ये हमारे साथ जगह जगह इसलिए पहुंच रहा है ताकि हम लोग ज़मीनी स्तर पे लोगों के मुद्दों को जानना चाह रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग चुनावी उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। चुनाव में 1.5 साल बाकी है, 2024 चुनाव को लेकर कहीं तैयारी तो नहीं हो रही है? देखिए, निरंतर अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जनता के बीच में जाना ही जाना है और उसको आप, कोई भी जनप्रतिनिधि जाएगा उसको आप तैयारी ही बोलेंगे। तो इसको आप जिस हिसाब से आप लोगों का चैनल है आप उस हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन ये मुख्य जो हमारा उद्देश्य है वो जनता के बीच में जाकर के उनके मेजर इश्यूज़ को समझना। आपने मुझसे इश्यूज़ के बारे में तो पूछा नहीं, इतने दिन से मैं चल रहा हूँ तो मैंने आपको एक इशू बताया। मुझे जो यहाँ के दिव्यांग लोग थे उन्होंने अपने मुद्दे रखे कि हर एक बिल्डिंग में, सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग्स में, दिव्यांगों को बिल्डिंग को एक्सेस करने के लिए रैंप और जो भी दिव्यांग फ्रेंडली लीग के ऊपर जो धाराएं लगती है उसको और कठोर करवाने के लिए कोई दूसरा कानून आना चाहिए जो स्पेसिफिक हो पेपर लीग के गिरोह को पूरी तरह से दबाने के लिए, ताकि एक नज़ीर बने कि आगे ये लोग ऐसा ना कर सकें, ऐसे बच्चों का भविष्य ना ख़राब कर सकें। ऑब्वियसली हमारा जो है बेरोज़गारी को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बड़े मुद्दे सामने आते हैं। तो ये निरंतर ये जो रसोइयाँ हैं इनका एक प्रतिनिधि समूह मुझको मिला सोगुपुर में, उन्होंने कहा कि उनकी मात्र 1500 रुपया जो है मानदेय है और वो भी परमानेंट नहीं है और उनसे तमाम काम करवाए जाते हैं, पोषण के काम करवाए जो जिम्मेदारी के काम है, लेकिन 1500 रुपये में उनका जीवन यापन नहीं होता है। तो ये मुद्दे जो है ये जनता के, गरीब लोगों के मुद्दे हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और लोकसभा में उठाने का काम करेंगे और इनको न्याय दिलाने का एक प्रयास है। ठीक, धन्यवाद।